हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अबेकस टीचर्स ट्रेनिंग बुक पेज नंबर 7 सीखेंगे। अगर यहाँ पर एक या दो दिए हैं तो हम 7 ऐड कर सकते हैं, पर अगर 3, 4, 5 और कोई नंबर दिया है तो हम 7 ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, 7 = -3 + 10। तो आज हम ये फॉर्मूला वाले थोड़े सम देखेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सम सी, एफ और जे। 72, 1 और 7। 7 के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, -3 + 10, तो आंसर होगा 80। सम एफ 6, 2, 17। 17 के लिए सबसे पहले करेंगे 10 और 7 के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आंसर होगा 25। सम जे 3, 1, 27। तो सबसे पहले करेंगे 20 और 7 के लिए फॉर्मूला, तो आंसर होगा 31। अब हम देखेंगे 6 का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है तो हम 6 ऐड कर सकते हैं, पर 4, 5 और कोई नंबर दिया है तो हम 6 ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, 6 = -4 + 10। तो अब ये फॉर्मूला वाले थोड़े सम देखेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सम के, ओ और एस। सम के 54, 10 और 6। 6 के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, -4 + 10, तो आंसर होगा 70। सम ओ 14, 6 के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे और अगेन 6, विदाउट फॉर्मूला हम कर सकते हैं, तो आंसर होगा 26। सम एस 8, 1, 26। 26 के लिए पहले करेंगे 20 और 6 के लिए फॉर्मूला, तो आंसर होगा 35। फर्स्ट प्लेस को छोड़कर और कोई जगह पर अगर डबल डिजिट दिया है तो हमेशा उसको स्प्लिट करके ही कैलकुलेट कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।